नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या हुआ। लाली फर्जी एनकाउंटर मामले में रिटायर्ड दरोगा को उम्र कैद। 31 साल पुराने बहुचर्चित मुकेश जौहरी उर्फ लाली फर्जी एनकाउंटर केस में अपर सत्र न्यायाधीश पशुपति नाथ मिश्रा ने रिटायर्ड दरोगा युधिष्ठिर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मृतक मुकेश जौहरी के परिजनों ने कोर्ट के इस फैसले आने के बाद खुशी जाहिर करी है। बता दें कि कोतवाली में तैनात रहे दरोगा युधिष्ठिर सिंह ने 23 जुलाई 1992 को साहूकारा निवासी मुकेश जौहरी उर्फ लाली को लूट एवं जानलेवा हमले के मामले में आत्मरक्षा में एनकाउंटर कर मार गिराने का दावा किया था। परिजनों की 5 वर्ष तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मामले की जाँच CBCID को सौंप दी गयी थी। 20 नवंबर 1997 को CBCID के इंस्पेक्टर शीशपाल सिंह ने दरोगा पर हत्या व आपराधिक षड्यंत्र की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में कोर्ट ने दरोगा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। देखिए मामले में परिजनों और अधिवक्ता का क्या कहना है। सर, आप अनिल जोगी, क्या मामला था पूरा बताएं। पुलिस ने दरोगा था खाना पीने का, उसने छोटे भाई का मर्डर करा था। कब की घटना है? 23 जुलाई सन बांधी। क्या नाम था छोटे भाई का? किस तरह की घटना हुई थी, जानकारी क्यों दे दी? उनके जोगी उस लाली था। अच्छा, किस तरह से क्या हुआ था? इसने पीछे से गोली मार के मर्डर कर दिया। उसका घटना क्या दर्शाया है? घटना क्या दर्शाया? लूट दिखा कि लूट रहे थे पुलिस जी भाई साहब बड़े बाजार में, क्योंकि सब वो घटना फर्जी थी सब। तो आपने किस तरह से पैरवी की, कितना समय लग गया? हमारे बड़े बड़े भाई वकील साहब थे जी, पूरी 22 अक्टूबर एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने सब पैरवी करी थी, पूरी 100% पैरवी सब वही कर रहे थे। न्यायालय के फैसले से किस तरह से आपको लग रहा है? संतुष्ट है, न्यायालय ने सही फैसला किया है। हत्यारों को सजा तो मिली, आजीवन जेल में तो रहेगा। कितने लोगों को सजा मिली है? एक ही आदमी था, एक इसी का आ। कौन थे वो? किस पोस्ट पे थे? कौन थे? सब इंस्पेक्टर। क्या नाम था? इंस्पेक्टर सिंह। किस थाने की मामला है? ये पोस्टिंग थी थाने के लिए, में कांड तो कहीं हुआ था जाकर के थाने के लिए में, लेकिन फर्जी कांड दिखाया दरोगा ने बड़े बाजार का थाना प्रभारी क्षेत्र का। किस मामले को लेकर आज सजा हुई है और कितने लोगों को सजा हुई? ये एक लाली हत्या कांड था मुकेश जौहरी, जिसमें युधिष्ठिर सिंह दरोगा है, इसको आजीवन कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये न्यायालय पशुपतिनाथ मिश्रा जी कोर्ट है, ADJ 12 वहां से सुनाया गया है। और ये लगभग 31 साल पुराना मामला था, जो कि 92 में वाइन साहब के बाहर मुकेश जौहरी को गोली मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद ये दरोगा रजिस्टर सिंह फिर थाने में ले जाके इनकाउंटर दिखा के उसे मार दिया था। उसके बाद इन लोगों द्वारा पैरवी की गई, CBCID 5 साल तक कम से कम ये लोग दौड़ते भागते रहे। उसके बाद CBCID ने इस पर FIR दर्ज की, और FIR दर्ज करने के बाद मामला न्यायालय में आया। न्यायालय के बाद 19 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिनका निर्णय आज हुआ और उन्हें आजीवन कारावास से दंडित किया गया, 20,000 रुपए दंडित किया गया है रजिस्ट्री सिंह दरोगा। जिला जज, DM और SSP ने किया जेल का निरीक्षण। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की साजिश जिला जेल में हुई थी। इसका खुलासा होने के बाद से ही जेल की व्यवस्थाओं को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के जेल में कई मददगार थे। इनमें से कई को जांच के बाद निलंबित भी किया जा चुका है। वहीं शुक्रवार को अचानक जिला जज, DM और SSP जेल का निरीक्षण करने पहुंच गए। जेल के अंदर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जबकि मीडिया के पूछने पर रूटीन चेकिंग बताई गई। उधर अशरफ को सुरक्षा व्यवस्था के चलते शुक्रवार को प्रयागराज नहीं ले जाया गया, अब उसे जेल से शनिवार को प्रयागराज शिफ्ट किया जाएगा। BDA का सीमा विस्तार, 29 नए गांव होंगे शामिल। कमिश्नर एवं बरेली विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को BDA की 50वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी व BDA VC जोगेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बरेली विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक बरेली सदर तहसील के 5, आमला तहसील के 14 व फरीदपुर तहसील के 12 गांवों को BDA में शामिल कर लिया गया है। कांग्रेस ने BJP के खिलाफ साधा निशाना। रामपुर गार्डन स्थित महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता हुई। इसमें कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. KB त्रिपाठी, प्रदेश महासचिव कुमुद गंगवार, जिला अध्यक्ष
मिर्जा अशफाक सकलैनी व महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला उपस्थित रहे। प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने और अडानी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। फिलहाल बरेली की खबरों में आज इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।